दोस्तों, आप सभी लोगों ने जिन्नों के बारे में तो जरूर सुना होगा। जिन एक काल्पनिक रूप में जादुई शक्तियों वाले जीवों का नाम है, जो अपनी इच्छा से अपने जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। वे गायब हो सकते हैं, उड़ सकते हैं, यहाँ तक के किसी भी जीव या वस्तु का रूप धारण कर सकते हैं, किसी भी स्थान तक अपनी इच्छा से पहुँच सकते हैं और किसी भी वस्तु को अपनी इच्छा से पा सकते हैं। वे उन सभी कार्यों को जिसे एक इंसान कई सालों की मेहनत से कर पाता है, उसे वह अपनी इच्छा से चुटकी भर में आराम से कर सकते हैं। जिन्नों का जिक्र धार्मिक ग्रंथों और कहानियों में भी पाया जाता है, लेकिन उनकी सच्चाई का कोई पुख्ता सबूत ना होने के कारण विज्ञान इन्हें अंधविश्वास मानता है। जिन शब्द अरबी भाषा से लिया गया है, जिसमें जिन्नात और जिनी शब्द मशहूर हैं। हिंदू धर्म में जिसे भूत प्रेत बुरी आत्मा के नाम से जाना जाता है, तो मुस्लिम सभ्यता के अनुसार ये जिन या जिन्नात कहलाते हैं। अधिकतर जिन इंसानों को नुकसान ही पहुंचाते हैं। बहुत कम जिन ऐसे होते हैं जो इंसानों के लिए खतरनाक नहीं होते। जिन की दुनिया इंसानों की दुनिया से बिल्कुल अलग है। ये लोग ज्यादातर सुनसान जगहों को अपना ठिकाना बनाते हैं। भौतिक रूप से इन लोगों का कोई अस्तित्व नहीं होता, पर वे किसी भी मानव शरीर को अपने वश में करने की ताकत रखते हैं। कुछ लोग अपनी किसी बुरी मंशा को पूरा करवाने के लिए जिन्नों को अपने वश में कर लेते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इस कार्य में असफल होकर अपनी जान गंवा बैठते हैं। इसलिए जिन साधना में वही लोग सफल होते हैं जो दूसरों का भला करने के उद्देश्य से उन्हें वश में करते हैं। जिन्नों की दुनिया को और करीब से समझने के लिए इन्हें 5 अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है। अलग अलग प्रकार के जिन अलग अलग शक्तियां रखते हैं और अपनी शक्तियों के बल पर इंसानों के नाक में दम करते हैं। तो आइए अब हम आपको अलग अलग प्रकार के जिन्नों के बारे में बताते हैं। मरीद जिन दुनिया के सबसे खतरनाक जिन होते हैं। किस्से कहानियों में अक्सर आपने इन जिन्नों के बारे में सुना होगा। मशहूर टीवी शो अलादीन का चिराग में भी इसी जिन का जिक्र किया गया है। ये जिन अधिकतर समुद्र या फिर खुले पानी में पाए जाते हैं। इंसानी दुनिया की तरह इफरीत जिन भी अपनी एक अलग दुनिया में रहते हैं, जिसमें वे पुरुष और महिला की तरह जोड़े में रहते हैं। ये जिन इंसानों के विचार समझने की ताकत रखते हैं और बहुत जल्द इंसानों को अपना दोस्त बना लेते हैं। यहाँ तक कि इंसानों को पता भी नहीं चल पाता कि वास्तव में उनका दोस्त एक जिन है। इफरीत जिन अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन कभी भी किसी जिन पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनसे दुश्मनी लेना आप पर भारी पड़ सकता है। सीला जिन एक महिला होती है जो दिखने में बेहद आकर्षक और खूबसूरत होती है। ऐसे जिन आम लोगों से अक्सर दूरी बनाए रखते हैं। ये जिन बहुत ही कम होते हैं और मानसिक रूप से ये बहुत ही ताकतवर और मजबूत होते हैं। ये जिन कब्रिस्तान के आसपास दिखाई देते हैं। इंसानी मांस खाने वाले ये जिन बहुत क्रूर होते हैं और इनकी शक्ल शैतान से मिलती है। इंसानों के लिए ये बहुत ही खतरनाक सिद्ध हो सकते हैं। ऐसे जिन्नों को बुलाने की अलग ही प्रक्रिया होती है। इनके बारे में कहा जाता है कि ये जिस इंसान का मांस चखते हैं उसका रूप धारण कर लेते हैं। ये जिन केवल इंसानों का खून पीकर जिंदा रहते हैं। विक्रम बेताल की कहानियों में भी इसी जिन का जिक्र मिलता है। ये जिन अतीत और भविष्य दोनों देख सकते हैं। आप अपने विचार हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हम जल्द ही आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।